अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरफराज स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त राणा सरफराज ठाकुर। तो गाइस, आज हम पिक एडिटिंग करने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूं। आपने वैसे रखनी है और आपकी पिक मेरे जैसी तैयार होगी, बिल्कुल जैसे हम फोटोशॉप पर रीटचिंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक है, यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और वहाँ इतना टाइम नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं तो करता हूँ ना एडिटिंग, तो जो नया बंदा होता है उसको थोड़ा टाइम लगता ज़रूर है, ठीक है ना। आज हम इसके ऊपर सिर्फ फेस रीटचिंग करेंगे। मैं पिक डाल लेता हूँ, उसके बाद वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें। अगर फ़ोटोशॉप की एडिटिंग सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे दूसरे चैनल का, सरफराज राजपूत के नाम से, वैसे भी सर्च कर सकते हैं आप, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, थैंक यू। तो गाइज, आपने ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, आपने यहाँ क्लिक करना है और गैलरी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू फ्रॉम इमेज पे क्लिक करना है। आपने पिक उठा लेनी है, सिंपली पिक्चर पे क्लिक करके। मैंने पिक इसके ऊपर मैंने एक फ़िल्टर लगाया है, ठीक है ना। अगर इस वीडियो पे तकरीबन कोई 20-25 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं तो इस फिल्टर का लिंक दे दूँगा, मतलब कि प्रीसेट का, जो मैंने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर नहीं भी आए फिर भी दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो ये वाला आपने ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ये इसका नाम है, ऊपर लिखा हुआ है नाम, चेक कर लें आप, ये वाला ब्रश है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आपने रखनी है, इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रखें, ठीक है ना, जो आपका हिसाब है किताब जैसे भी। और इसका फ्लो 6 पे रख देते हैं हम, ठीक है, और नीचे वाला ये भी 6 पे रख देते हैं। तो हम काम शुरू करते हैं, वीडियो को मैं रीटचिंग के दौरान थोड़ी सी फास्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा है, तो सेटिंग में आपने फिर से जाना है, इसका फ्लो कम कर देते हैं, तकरीबन इसको रख देते हैं 4 पे, और इसको 4 पे, फिर इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो बाकी की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ बाद में, इसकी टोटल सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता।
तो गाइज मैंने पिक की स्किन रिटचिंग कर ली है, आप लोगों के सामने हैं, देखें बिल्कुल जैसे हम फोटोशॉप पे रिटचिंग करते हैं वैसी मैंने रिटचिंग की है। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अगली, मैं आपको वीडियो में इसका मैं दाढ़ी का खत बना के दिखाऊंगा इस ब्रश से बनता है, ठीक है ना, प्रोफेशनली तरीके से। जैसे मेरी फ़ोटोशॉप पे आपने वीडियो देखी है जैसे मेरा बेयर का खत बना होता है, ठीक है ना, तो उसी टाइप का मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा। तो पिक को हम सेव कर लेते हैं, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे, तो लव यू हो गया सबको, ये सेव होगी।